गुजरात के गांधीनगर में एक मंत्री के बेटे की गुंडागर्दी की तस्वीरें हमें मिली हैं। तस्वीरें गुरुवार की हैं, गांधीनगर के सेक्टर 21 की वारदात। यहां एक पान पार्लर के कर्मचारी सुधिल शाह अपनी दुकान के बाहर खड़े थे, तभी अचानक मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी के बेटे हीरेन सोलंकी अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में वहां आए और सुधिल शाह के साथ मारपीट शुरू कर दी। हीरेन सोलंकी ने अपने दोस्तों के साथ सुधिल शाह की जमकर पिटाई की। आसपास के लोग मंत्री का बेटा होने की वजह से दूर से ही सारा तमाशा देखते रहे, कोई इस शख्स को बचाने नहीं आया। 6-7 मिनट तक मारपीट करने के बाद ये सभी वहां से चले गए। मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से पुलिस ने FIR दर्ज करने में भी देरी की। वहीं सुधिल शाह को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है, उनकी आंखों पर गंभीर चोट है। निर्णय कपूर इस वक्त हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता। निर्णय, पूरा मामला जरा एक बार बताइए। देखिए, मैं आपको बताऊं सौरभ, ये कल दोपहर लगभग इसी वक्त की घटना है। और हुआ ये था कि ये जो पान पार्लर है, इसी के साथ वड़ा पाव की भी दुकान है, साथ में वड़ा पाव भी ये लोग बेचते हैं, और ये वड़ा पाव खाने ही आए थे। और जैसे ही लड़का जो है, जो पीड़ित है, उसने बाद में पुलिस को बताया कि उसने सिर्फ इतना पूछा था कि आपको क्या खाना है, और शायद उसने थोड़ा दूरी से पूछा था, इस वजह से ये जो मंत्री का बेटा है वो नाराज हो गया उससे, और उसने हाथापाई शुरू कर दी उसके साथ, और बाद में मार पीटना शुरू कर दिया उसे। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि इतना घबरा गए थे ये लोग कि इन्होंने पहले ना तो खुद पुलिस में कोई कंप्लेंट की, और ना ही जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले पे कोई एक्शन लिया। लेकिन जैसे ही लोगों की इंक्वायरी बढ़ती रही, मीडिया ने इस मामले में दखल देना शुरू किया, तो पुलिस थोड़ा सा एक्शन में आई, लड़के के पास गई, और लड़के ने बताया कि मंत्री के बेटे ने उसे मारा है, हीरेन सोलंकी नाम तक बताया उसने मंत्री के बेटे का। लेकिन पुलिस ने इस मामले में अब तभी भी अज्ञात लोगों के खिलाफ ही फरियाद दाखिल की है, पता लगा सकते हैं। उसके बाद CCTV फुटेज सामने आए हैं, आज सुबह से ये इन CCTV फुटेज की चर्चा है हर जगह, लेकिन उसके बावजूद अभी भी पुलिस अपनी फरियाद जो है वो अज्ञात लोगों के खिलाफ ही। बहुत हैरानी की बात है कि जिस शख्स की पिटाई हुई वो नाम ले रहा है, तब भी पुलिस को उस व्यक्ति से पूछताछ तो दूर, उसका नाम की शिकायत दर्ज करने तक में परहेज है। शुक्रिया निर्णय आपका।